तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सर्वे कॉप्स एरन को बचाने के लिए आ जाते हैं और सर्वे कॉप्स किसी तरीके से एरन को छुड़ा लेते हैं और वहां से वापस लौटने लगते हैं, लेकिन राइनर उन्हें रोकने के लिए उन पे टाइटंस फेंकने लगता है और इसकी वजह से एरन और मिकासा गिर जाते हैं और वही टाइटन उनके पास आने लगती है जिसने एरन की मॉम को खाया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एरन की मॉम उससे बोलती है, अगर तुम मर्द हो तो कभी मिकासा को प्रोटेक्ट करके देखो। और हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें वो टाइटन एरन की मॉम को खा जाती है और यहीं पर फ्लैशबैक सीन्स खत्म हो जाते हैं और हम देखते हैं कि राइनर एक टाइटन को एरविन की तरफ फेंकता है और वो टाइटन एरविन का पीछा करने लगता है। तभी वहां पर येमेर आकर उस टाइटन को गिरा देती है, लेकिन इसी बीच एरविन भी गिर जाता है और एक सैनिक उनके पास आने लगता है। तो एरविन उससे कहता है, मेरी जगह कोई और ले सकता है लेकिन एरन की जगह कोई नहीं ले सकता, एरन को बचाओ और लौट जाओ। तभी उस सैनिक को एक टाइटन खा जाता है। फिर हम वापस एरन और मिकासा को देखते हैं और जिस टाइटन ने एरन की मॉम को मारा था वो उन पर अटैक करने वाली होती है। तो मिकासा एरन को नीचे झुकाती है और जैसे ही वो टाइटन उन पर अटैक करती है तो हानेस वहां आकर उसके हाथ को रोक लेता है और अपनी ब्लेड से उस पर अटैक कर देता है और एरन से कहता है कि आज मैं तुम्हारी मॉम का बदला लूंगा। फिर वो उस टाइटन से लड़ने लगता है और हानेस की मदद करने के लिए जीन और आर्मिन उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी राइनर दो टाइटन्स उनके सामने फेंक देता है। तो आर्मिन सोचता है, क्या राइनर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एरन को कोई टाइटन खा जाएगा। फिर हम येमेर को देखते हैं जो कि एक टाइटन को मार रही होती है और वो सोचती है कि उसे राइनर का साथ देना चाहिए या फिर सर्वे कॉप्स का। फिर आगे वो सोचती है, दीवार के अंदर की जिंदगी तो नरक होने वाली है, मेरे पास ये इकलौता मौका है हिस्टोरिया को दुनिया की दूसरी तरफ ले जाने का, लेकिन मैं अकेले हिस्टोरिया को कब तक प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। फिर हिस्टोरिया येमेर के ऊपर आकर बैठ जाती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला था, क्या तुम फिर से मुझे बचाना चाहती थी। तभी उनके सामने एक टाइटन आ जाता है और हिस्टोरिया येमेर से कहती है कि तुम्हें अपने लिए जिंदगी जीना चाहिए और मुझे पता नहीं क्यों लेकिन जब भी तुम मेरे साथ होती हो तो मैं किसी चीज से नहीं डरती। और ये बोलकर हिस्टोरिया उस टाइटन पर अटैक कर देती है। फिर हम मिकासा को देखते हैं जो कि उस टाइटन से लड़ने के लिए अपनी ब्लेड्स निकाल लेती है, लेकिन वो बहुत इंजर्ड होती है। तो एरन उससे रोकता है और अपने हाथ खुलवाते हुए कहता है, उस टाइटन को मैं मारूंगा। फिर एरन अपने हाथ को काट लेता है टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। फिर हम देखते हैं कि राइनर जीन के पास एक टाइटन फेंक देता है और जीन घायल हो जाता है। फिर वापस हम एरन को देखते हैं और वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए अपने हाथों को काट रहा होता है, लेकिन वो अभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता और एरविन जीन को टाइटन से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हम वापस हैनेस को देखते हैं जो कि उस टाइटन का पैर काट कर उसे गिरा देता है, लेकिन फिर वो टाइटन हैनेस को पकड़ लेती है और खाने लगती है और एरन हैनेस को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। तो वो जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, कुछ नहीं बदला मॉम, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मिकासा एरन से कहती है, ऐसा नहीं है। फिर वहां पर हमें एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है जिसमें मिकासा एरन को थैंक यू बोलती है हमेशा उसका साथ देने के लिए, उसे जीना सिखाने के लिए और उसे स्कार्फ पहनाने के लिए। फिर एरन उस टाइटन के सामने खड़ा होकर मिकासा से बोलता है, मैं हमेशा तुम्हें स्कार्फ पहनाऊंगा और पहनाते रहूंगा। फिर एरन उस टाइटन के हाथ में एक मुक्का मारता है और फिर जब वो हवा में एक और मुक्का चलाता है तो एक दूसरा टाइटन उस टाइटन पर अटैक कर देता है और फिर सभी टाइटन्स उस टाइटन के पास आकर उसे खाने लगते हैं और एरन मिकासा को उठाकर वहां से भागने लगता है। और मिकासा एरन से पूछती है कि वो सभी टाइटन्स उस टाइटन को क्यों खा रहे हैं और येमेर ये सब देखकर सोचती है शायद दीवार के अंदर भी फ्यूचर है। और राइनर एरन की तरफ भाग के आते हुए सोच रहा होता है, फाउंडिंग टाइटन इस दुनिया के सबसे बेकार इंसान के हाथ में है, हमें फाउंडिंग टाइटन उसे लेना होगा। फिर एरन रुक कर राइनर को कहता है, हमसे दूर रहो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और सभी टाइटन उस टाइटन को छोड़कर राइनर की तरफ आने लगते हैं और ये सब देखकर एरन को भी कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर सभी सर्वे कॉप्स वापस लौटने लगते हैं, लेकिन येमेर हिस्टोरिया को सॉरी बोलती है और राइनर और बर्थोल्ड के पास जाकर उन्हें उन टाइटन से बचाने लगती है। और एरन वापस लौटते हुए हानेस के बारे में सोच रहा होता है। फिर हम राइनर, बर्थोल्ड और येमेर को देखते हैं जो कि वोल मारिया पर होते हैं और राइनर येमेर से पूछता है कि वो उनके साथ क्यों आई। तो येमेर कहती है, शायद मैं बेवकूफ हूँ लेकिन तुम अपने होम टाउन खाली हाथ जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
और आगे बोलती है, अगर तुम वॉलमारिया को तोड़ने नहीं आते तो शायद मैं कभी उस बुरे सपने से नहीं निकल पाती। मैंने तुमसे जो लिया था मैं बस तुम्हें वो वापस कर रही हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि वॉल रोज के टूटने की खबर से वहाँ के सिटीजन्स वॉल सीना में एक पुरानी अंडरग्राउंड सिटी में रहने लगे और वहाँ पर लोगों के खाने के लिए एक हफ्ते तक का ही खाना था और उसके बाद लोगों को चोर या हत्यारा बनना पड़ता खाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने एक हफ्ते के बाद अनाउंस कर दिया कि वॉल रोज एकदम सेफ है। फिर हमें ट्रोस डिस्ट्रिक्ट में एरविन को दिखाया जाता है जिसके साथ पिक्सिस और लीवाई बैठे होते हैं। फिर वहां पर हांजी और कोनी आते हैं। फिर हांजी बताती है कि कोनी रगाको गांव से है जिस गांव से टाइटन्स आए थे और उन्होंने उस गांव की तहकीकात की और शायद उनकी थ्योरी सही हो सकती है कि उसके गांव के लोग ही टाइटन्स में बदल गए थे। फिर हम एरन को देखते हैं और वो इस बात से दुखी होता है कि उसे बचाने के चक्कर में सर्वे कॉप्स के आधे से ज्यादा सैनिक मर गए। तार्मिन कहता है, लेकिन जब हम वापस लौट रहे थे तो किसी की भी जान नहीं गई क्योंकि सभी टाइटन्स का ध्यान राइनर की तरफ था और मुझे और जिन को लगता है कि तुम्हारी ही वजह से उन टाइटन्स ने ऐसा किया था। और जिन कहता है, हमें तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ये तुम पे डिपेंड करता है कि उन सैनिकों की जान बेवजह गई या नहीं, कि तुम उनकी कुर्बानियों से ज्यादा फायदेमंद हो या नहीं। तो एरन कहता है, अगर मैं टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता हूँ तो मैं वॉलमारिया का गेट सील कर दूंगा और राइनर और बर्थोल्ड को ढूंढ कर उनसे हिसाब किताब चुकता करूंगा। फिर हम वापस एरविन और बाकी सभी को देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो टाइटन्स और कोई नहीं बल्कि कोनी के गांव के इंसान ही थे। तो लीवाई कहता है, तो मैं पागलों की तरह हर जगह इंसानों को मारता फिर रहा था। तो हांजी कहती है, अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। फिर लीवाई एरविन को मुस्कुराते हुए देखता है और उससे पूछता है कि वो आखिर क्यों मुस्कुरा रहा है। तो एरविन कहता है, क्योंकि हम सच के और भी करीब पहुंच गए हैं और एक दिन हम पूरा सच पता कर लेंगे। फिर हम देखते हैं वॉलमारिया पर एक इंसान जो कि बीस्ट टाइटन पर बैठा होता है और यहीं पर अटैक ऑन टाइटन का सेकंड सीजन खत्म हो जाता है। तो आपको ये सीजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है, और अगर यहाँ तक आए हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लो, मैं आगे आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।